हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मानसी अरोरा। होप आप सबने प्रीवियस वीडियोस देखी, अपना जो आपका वर्क था वो कंप्लीट किया होगा। आज का हमारा टॉपिक है आइसोकॉस्ट लाइंस। इससे पहले हमने जो अपना टॉपिक किया था वो था आइसोक्वांट्स। आइसोक्वांट्स में हमने कर्व किए थे आइसोकॉस्ट, मतलब सेम वही इक्वल कॉस्ट, कॉस्टिंग हम कैसे एक्सपेंडिचर, अपना एक्सपेंडिचर को हम कैसे स्पेंड कर सकते हैं बिटवीन द टू फैक्टर्स, फर्म कैसे परचेज कर सकती है एट अ गिवन प्राइस और एक गिवन एक्सपेंडिचर में, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, टू इनपुट्स को कैसे परचेज कर सकती है, इसमें हमें ये बताया जाता है। देखिए, इसमें मेन जो इसका हम डिफाइन कर सकते हैं वो ये है कि सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो रेज करना चाहते हैं देयर प्रोडक्शन, रेज करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आती है इज बजट। अब जैसे हमने आइसोक्वेंट कर्व सबने देखे थे, पहला हमारा आइसोक्वेंट जो कर्व बनता है, जैसे ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, फिर नेक्स्ट हम आइसोक्वेंट कर्व बना रहे हैं, ये हमारी 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उससे नेक्स्ट आइसोक्वेंट बना रहे हैं जो हम, वो 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये चीज़ क्या शो करता है कि अगर हम इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चीज़, यहाँ पे अगर हम कोई भी जो अपना प्रोडक्शन है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सेम, दोनों इनपुट्स हमारे सेम लगेंगे और हमारी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन हम अगर जो हम ओरिजिन से अगर जितना दूर जाते हैं उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी। तो अगर हम 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा, जो इनपुट्स हैं उनको रेज करना होगा, बढ़ाना होगा। और यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको बताई है, बजट की। हर प्रोड्यूसर के सामने जो एक एक्सपेंडिचर उसका लेवल होता है उसकी प्रॉब्लम आती है। तो इसका अगर पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, आइसोकॉस्ट लाइन indicates the different combinations of the factors which the firm can purchase at given price and with it given expenditure, कितना एक फर्म एक्सपेंडिचर कर सकती है, कितना उसका एक कॉस्टिंग है जो वो अफोर्ड कर सकती है टू परचेज डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स, जो दो जो इनपुट्स हैं उनको परचेज करने में वो कितना एक्सपेंडिचर कर सकती है। आइसोकॉस्ट लाइन्स हमें वो लेवल बताते हैं। इसको हम ये प्रॉब्लम जो है हमारी बजट की जो प्रॉब्लम आती है, हम कैसे लीस्ट कॉस्ट को ऑप्टेन कर सकते हैं थ्रू जो आइसोक्वेंट हमारे कर्व्स हैं उनके थ्रू, हम कैसे टेंजेंट लेते हैं लाइन को, ये सब में हम आइसोकॉस्ट में पढ़ते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं वन कैपिटल यूनिट हमारी 10 रुपीज की है, वन लेबर 5 रुपीज की हुई, और जो प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सकता है, बजट जो है वो है प्रोड्यूसर का 60 हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 हो गया। अब यहां पे सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम डिनोट करते हैं इज इक्वल टू आर, आर से डिनोट करते हैं, आर को हम रेंट भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई जो अगर किसी भी तरह का मतलब कैपिटल है जिसको परचेज कर सकता है, लैंड है, बिल्डिंग है, अगर वो उसको परचेज करता है तो उसके अगेंस्ट जो वो पैसा देता है, अगर वो उसको बैंक में रखता तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। तो हम इसको रेंट भी बोल सकते हैं, आरओआई भी बोल सकते हैं, रेंट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, मतलब जो भी वो सेक्रीफाइस करेगा एक चीज को लेने के लिए। मतलब अगर वो जो भी इन्वेस्ट, कहीं पे भी वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है और जो उसने सेक्रीफाइस किया, जिस चीज को वो छोड़ रहा है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उसकी होगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हम आर से डिनोट करते हैं। कॉस्ट ऑफ लेबर जो है
उसको हम लिखेंगे डब्ल्यू, वेजेस, इनकम, सैलरी, जो भी हम अपने लेबर्स को देते हैं, और सी जो है हमारी टोटल कॉस्ट, सी को हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। ये हम तीनों ऐसे डिनोट करेंगे। तो अगर हमारा मतलब अगर हम देखते हैं कि अगर हम हमारा वन कैपिटल 60 रुपीज का था और हम सिर्फ कैपिटल ही परचेज कर रहे हैं, मतलब पूरा जो हमारा मनी है वो हम केवल कैपिटल पे लगा रहे हैं, तो हम मैक्सिमम जो कैपिटल है वो कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम जो हमारा जो कैपिटल है वो हम कितना ले सकते हैं? 60/10, ठीक है? तो हमारे होगी 6 यूनिट्स जो हम कैपिटल उसमें ले सकते हैं, वो ये ले सकते हैं। वेजेस जो हम मैक्सिमम ले सकते हैं, अगर हम सिर्फ वेजेस ले रहे हैं, हम सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेबर में, तो वो हम कितना ले सकते हैं? इज इक्वल टू 60/5 मीन्स 12 यूनिट्स। अब इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस बीच के ये जो पूरा हो गया हमारा, इसके ये 6 हमारा मैक्सिमम यूनिट, हमारी जो कैपिटल की मैक्सिमम यूनिट 6 आई है, और हमारा जो लेबर है उसकी मैक्सिमम यूनिट्स हमारी कितनी आई है? 12, ठीक है? तो ये जो हमारी आइसो कॉस्ट यहाँ पे लाइन बनेगी वो ये हो गया, ठीक है? इसके अंदर अंदर, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे, हम 7 पे जाएंगे कैपिटल पे, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर हम कैलकुलेशंस के थ्रू भी देखें। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे जा रहे हैं, हम 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल ले रहे हैं और 4 यूनिट्स ऑफ लेबर ले रहे हैं, तो पहली बात तो इसका जो हम कॉस्ट इक्वेशन जो होगी फॉर आइसो कॉस्ट, इक्वेशन क्या होगी आइसो कॉस्ट की? सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल प्लस आर इंटू के। ये हमारी इक्वेशन होगी आइसो कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है? आइसो कॉस्ट को कैसे हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की। अब अगर हम इस कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन पे जाएंगे तो अगर हम इस इक्वेशन में इसको लगाएंगे तो हमारा वेजेस कितना है? 5 × 4, ठीक है, प्लस 10 × 4, तो ये हमारा क्या हुआ? 60 रुपीज। सेम वही कॉम्बिनेशन अगर हम क्रिएट करते हैं, मतलब वेजेस इंटू जो हमारा लेबर प्लस हमारा जो रेंट इंटू कैपिटल, ठीक है? यही जो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया था, इसको अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम इस इक्वेशन के थ्रू ही बनाएंगे। इसके बाद हम कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम 2 8 का बनाना चाहते हैं तो भी सेम यही कर लेंगे। हम 2 8 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा उसमें? अब हम अगर इसको ये वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारी कितनी कैपिटल हमारी 2 यूनिट्स पे है, कैपिटल कितने की है हमारी? 10 रुपीज़ की पर कैपिटल, तो ये 20 हो गया। ये वाला कितना है हमारा लेबर? 5 रुपीज़ का है, तो ये हमारा कितना हो गया? 40। तो सेम हमारा 60 रुपीज़ हुआ, यहाँ पे भी 60 का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके अंदर अंदर जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे हमारे वो 60 रुपीज़ के। अब अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, अगर हम यहाँ पे 7 पे आते हैं, 7 और 2 का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो हमारा 80 पर जाएगा, मतलब मोर कॉस्टिंग पे जाएगा। तो इसके अंदर अंदर अगर ये हमारा जो ये हमारा प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाना चाहते हैं सेम प्राइस पे, जो हमारा फैक्टर ऑफ जो कॉम्बिनेशंस हैं उनकी प्राइस अगर सेम रहता है और हम अपना प्रोडक्शन रेज करना चाहते हैं, तो क्या होगा? हमारा आउटवर्ड जो हमारा पूरा का पूरा ये आइसो कॉस्ट लाइन है, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये आउटवर्ड चला जाएगा अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। और अगर हम अपना प्रोडक्शन कम करना चाहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी या व्हाटएवर, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा इनवर्ड, ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारी प्राइस रेज हो जाती है, प्राइस ऑफ जो हमारी यहाँ पे देख लेते हैं हम, अगर हमारी प्राइस रेज हो जाती है,
फैक्टर जो है हमारे, जैसे एक कैपिटल हमारी 10 रुपीज की थी, ठीक है, एक लेबर हमारी कितने की थी, 5 रुपीज की थी। अगर ये लेबर हमारी रेज हो जाती है 2 रुपीज 6, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसका उसके लिए जो हमारा आइसो कॉस्ट होता है, लेबर हमारा बढ़ गया है तो हमारा जो ये पहले हमारा आइसो कॉस्ट ये था, तो हमारा क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा कि यहाँ से 7 पे ऐसे रोटेट हो जाएगा। और सेम यही केस कब होगा, अगर हमारी कैपिटल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, मतलब ये क्या होता है, आउटवर्ड रोटेट हो जाएगा। अगर सेम कैपिटल के साथ होता है तो यही, यहाँ से लेबर को हम सेम रख के इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रोटेशन वाला फॉर्म। अगर हमें अपना, अगर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, कम करना है, तो ये हमारा ये वाला केस हो गया। मतलब अगर हमारा एक्सपेंडिचर बजट हमारा बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको अपने प्रोडक्शन को पूरा का पूरा रेज कर लेते हैं। फॉल होता है तो उसको इनवर्ड ले आते हैं हम, इनवर्ड उसमें वो शिफ्ट हो जाता है आइसो क्वेंट, जो आइसो कॉस्ट है हमारा। तो ये सिर्फ इसमें हमारा इतना कुछ नहीं है, सिर्फ यही देखना है कि अब ये जो हमारा आइसो कॉस्ट वाला जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है, ये हमें प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स जो इक्विलिब्रियम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन है, उसमें ये बहुत अच्छा एक जो पार्ट है वो प्ले करेगा। आपको ये सब कैसे निकालना है, कैसे इसका हमें आइसो कॉस्ट जो हमारे होते हैं वो कैसे बनते हैं, आइसो क्वेंट के टेंजेंट जाके बनते हैं, तो वो हमारा लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। तो इसके जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके एग्ज़ाम्स में आने के। तो दिस इज़